वेलकम टू इन्फो सिक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ICICI कोरल क्रेडिट कार्ड के अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर क्रेडिट कार्ड है एंड इसके ऊपर लिखा है द जेमस्टोन कलेक्शन एंड इसके ऊपर मेरा एड्रेस भी है, लेकिन मैंने इसको सिक्योरिटी रीजन के कारण हाइड कर रखा है। पैकेट के पीछे आप देख सकते हो एकदम सील है पूरा, तो इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा पैकेट के अंदर कार्ड के साथ और क्या है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेट से मैंने सब कुछ निकाल लिया है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा सारे डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले एक वेलकम लेटर है, तो उसमें सारे डिटेल्स है क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हो एंड ये जो पिन ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड के सिक्योरिटी जोन के कारण पिन को कैसे यूज करना है तो वो भी है, एंड पिन कहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप 2000 के नीचे किसी भी कॉन्टैक्टलेस POS पे ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको पिन देने की ज़रूरत नहीं है। एंड नीचे आप देख सकते हो कार्ड के टोटल लिमिट कितना है वो भी लिखा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो चिप एंड पिन सिक्योरिटी फॉर योर क्रेडिट कार्ड, तो इसका सारे डिटेल्स है। एंड क्रेडिट कार्ड को ऐसे यूज करना है आई मोबाइल ऐप के थ्रू ICICI बैंक के, तो उसका भी सारे डिटेल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे एक 500 रुपीज़ का वाउचर मिला है। अगर मैं 1999 का ट्रांजेक्शन करूँगा तो ये मेरे कुछ भी काम के नहीं है। तो अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इसको, क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया है। इस कूपन का सारे टर्म्स एंड कंडीशन इसका पीछे लिखा है, तो इसका सारे डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मैं आपको एक एक करके सारे पेपर्स दिखाऊँगा जो मुझे मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो ICICI बैंक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करना है। तो जो POS मशीन है उसके ऊपर कार्ड को बस रखना है, देन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन आपके जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो 2000 के नीचे होना चाहिए। अगर 2000 से ज़्यादा अमाउंट का है तो आपको पिन देके पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज़ ICICI बैंक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड एंड इसको कैसे यूज करना है, क्या बेनिफिट है, तो सारे डिटेल्स है इस पेपर में। तो आप एक एक करके सारे डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको अगर एक एक करके सारे डिटेल्स बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एंड इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा ये कार्ड मुझे कैसे मिला है। तो ये प्री अप्रूव कार्ड था मेरा, इसके लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। बस क्लिक करके कुछ डिटेल्स फिलअप करने के बाद इंस्टेंट कार्ड नंबर जनरेट हो गया था। एंड इसके कुछ दिन बाद कुरियर के थ्रू मुझे ये कार्ड मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और एक पेपर जिसमें ICICI बैंक कोरल क्रेडिट कार्ड के और भी डिटेल्स है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एवरी डे, तो इस पेपर में और क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस के बारे में लिखा है, ज्वाइनिंग फी 500, एनुअल फी 500, लेकिन अगर आप ईयरली 1,50,000 स्पेंड करोगे तो आपको एनुअल फी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको यहाँ पर मूवी वाउचर मिलेगा एंड कैसे पे करना है एंड आपको कितना रिवार्ड पॉइंट मिलेगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन ये कार्ड तो मुझे लाइफ टाइम फ्री में मिला है। लाइफ टाइम फ्री मतलब मेरा ऑफर था अगर मैं ईयरली 1,50,000 स्पेंड नहीं भी करता हूँ तो भी मुझे एक्स्ट्रा कार्ड के लिए फी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आप इस कार्ड के बिल पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ICICI बैंक के कोरल क्रेडिट कार्ड, तो सिक्योरिटी रीजन के कारण मैंने इसका कार्ड का नंबर जो है वो हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड कैसे दिखता है, ऊपर कोरल लिखा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉन्टैक्टलेस का सिंबल भी है एंड ये वीसा प्लैटिनम कार्ड है एंड ऊपर एक चिप भी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड के पीछे का साइड, तो CVV नंबर भी मैंने हाइड कर दिया है। अगर आप ICICI बैंक के कोरल क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो या इस कोरल क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल इन्फोसिस को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।